और खबर गोहाना से, जहां सफाई कर्मियों की हड़ताल का 15 दिन है, यानी कि 15 दिन हो चुके हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं सफाई कर्मचारी। पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन की आवाज पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। रामचंद्र जांगड़ा के निवास पर यह प्रदर्शन किया गया है। थाली और ढोल बजाकर ये प्रदर्शन किया गया है। शहर में सफाई कर्मचारियों ने रोष मार्च भी निकाला है, यानी कि नाराजगी जो है अब मार्च तक पहुंची है और अब थाली और ढोल बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 दिन गुजर चुके हैं सफाई कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर। जो सफाई बंद है पूरे शहर में या फिर कहें पूरे हरियाणा के कई शहरों में, उसको लेकर अब चूंकि कोई रास्ता नहीं निकला है, सरकार की तरफ से जो पहल की गई थी वो बात नहीं बनी है, लिहाजा अब सफाई कर्मचारी आर पार की लड़ाई में के मूड में नजर आ रहे हैं। सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, अनोखा प्रदर्शन किया गया थाली और बॉक्स बजाकर, लेकिन क्या इस प्रदर्शन का कुछ असर हुआ? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल कर्मचारियों ने ऐलान किया था कि आने वाले 2 दिनों तक कर्मचारी जो है बीजेपी नेताओं व मंत्रियों के आवास के बाहर ढोल नगाड़े थाली शंख बजाकर जो है प्रदर्शन कर उनको जगाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में आज जो है गोहाना में जो है कर्मचारियों ने जो है प्रदर्शन किया है। बीजेपी के जो पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन है रामचंद्र जांगड़ा, उसके निवास पर जाकर जो है इन्होंने प्रदर्शन किया, थाली बजाकर ढोल बजाकर जो है उसके निवास पर प्रदर्शन किया है। देखिए, लेकिन जब बीजेपी के चेयरमैन है ये रामचंद्र पिछड़ा वर्ग के, वो अपने निवास स्थान पर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते कर्मचारियों में गुस्सा और बना रहा। कर्मचारियों का साफ कहना था कि सरकार देखिए वादा खिलाफी बार बार करती आ रही है, सरकार अगर जल्दी ही उनसे मुलाकात कर उनकी मांगे नहीं मानती तो आने वाले 1-2-3 दिनों में जो है कर्मचारी और भी अपना जो प्रदर्शन है उसको उग्र करेंगे। इसके अलावा श्रम कर्मचारी जो संघ है वो भी जो है इन कर्मचारियों के साथ मिलकर जो है और विभागों की भी जो है हड़ताल करने पर मजबूर होगा, जिसकी जो है सरासर जो जिम्मेवार है सरकार की बनती है, सरकार जिम्मेवार होगा। इसके अलावा जो देखिए पूरे हरियाणा को ब्लैकआउट तक करने की इन्होंने चेतावनी सरकार को दी है। शुक्रिया आपका सुनील।